उत्तराखंड में हाल ही में पंचायत चुनाव में गड़बड़ी की याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 26 लोगों की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। अलग अलग लोगों की दायर याचिका में कहा गया कि पंचायत चुनाव के दौरान बराबर वोटिंग होने के बाद चुनाव अधिकारी द्वारा लॉटरी के माध्यम से जीते उम्मीदवार की घोषणा की गई। कई स्थानों पर चुनाव हार गए प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया गया। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो सरकारी भूमि पर काबिज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्याशियों का नामांकन रद्द नहीं किया गया। साथ ही कई प्रत्याशियों द्वारा लाभ के पद में रहते हुए पंचायत चुनाव लड़े गए, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव अधिकारी द्वारा शिकायत करने पर आयोग उम्मीदवार पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मंदित चुनाव को चुनौती देते हुए लगभग 15-16 एडिट याचिकाएं आयोजित हुई हैं। याचिकाओं का कहना है कि जो जिन प्रतिनिधियों को चुना है उनके या तो उनके परिवार के किसी आदमी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, या किसी का कहना है कि जो प्रतिनिधि चुना गया है वो योग्य नहीं था, लाभ के पद पर है। माननीय न्यायालय ने विस्तृत सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार को कहा है कि क्या चुनाव याचिका आयोजित करने के लिए कोई प्रावधान है, अन्यथा 25 तारीख को इन सारे मामलों में अगली सुनवाई होगी। तो पंचायत चुनाव में गड़बड़ी का ये मामला, जिसको लेकर के आज उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई होनी, नैनीताल हाईकोर्ट का सरकार को ये नोटिस, कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने 26 लोगों की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। अलग अलग लोगों की दायर याचिका में कहा गया कि पंचायत चुनाव के दौरान बराबर वोटिंग होने के बाद चुनाव अधिकारी द्वारा लॉटरी के माध्यम से जीते उम्मीदवार की घोषणा की गई। कई स्थानों पर चुनाव हार गए प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया गया। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो सरकारी भूमि पर काबिज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्याशियों का नामांकन रद्द नहीं किया गया। साथ ही कई प्रत्याशियों द्वारा लाभ के पद में रहते हुए पंचायत चुनाव लड़े गए, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव अधिकारी द्वारा शिकायत करने पर आयोग उम्मीदवार पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। संबंधित चुनाव को चुनौती देते हुए लगभग 15-16 एडिट याचिकाएं आयोजित हुई हैं। याचिकाओं का कहना है कि जो जिन प्रतिनिधियों को चुना है उनके या तो उनके परिवार के किसी आदमी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, या किसी का कहना है कि जो प्रतिनिधि चुना गया है वो योग्य नहीं था, लाभ के पद पर है। माननीय न्यायालय ने विस्तृत सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार को कहा है कि क्या चुनाव याचिका आयोजित करने के लिए कोई प्रावधान है, अन्यथा 25 तारीख को इन सारे मामलों में अगली सुनवाई होगी। तो पंचायत चुनाव में गड़बड़ी का ये मामला, जिसको लेकर के आज उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई होनी, नैनीताल हाईकोर्ट का सरकार को ये नोटिस, कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।